Hi guys, welcome back to my channel. मैं हूँ सेजल और आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ एक सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड मेकअप लुक दैट इज आलिया भट्ट. आपने ऑलरेडी मेरे टाइटल में देख ही लिया होगा. एंड आलिया भट्ट रिसेंटली वेंट टू हर बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग दैट वॉज इन दिल्ली. शी वोर अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लू कलर साड़ी एंड आई नो आई कैन नॉट मैच टू हर साड़ी व्हिच शी इज वेयरिंग दैट इज फुल एम्ब्रॉयडर्ड एंड एवरीथिंग. बट या आई हैड दिस साड़ी ऑफ माई सिस्टर्स वेडिंग सो मैंने सोचा क्यों ना यही पहन लेती हूँ एंड लेट्स मेक अ लुक ऑन इट. सो जैसे ही मैंने उनका फोटो इंस्टाग्राम पर देखा ओ माय गॉड दैट पिक्चर वाज लाइक awe-striking बिकॉज शी वाज एक्चुअली क्राइंग इनटू दैट. सो आई जस्ट रिसर्च मोर अबाउट दैट आउटफिट एंड दैट मेकअप लुक इटसेल्फ. सो आई वुड से वन थिंग दैट वो मेकअप लुक उनका तो ओ माय गॉड दैट्स रियली सिंपल. इट्स लाइक अ नो मेकअप मेकअप लुक. नो काजल, नो आईलाइनर, नो आईशैडो ओवर द टॉप. लिपस्टिक इज सो न्यू दैट इट लुक्स लाइक शी इज नॉट वेयरिंग एनी लिपस्टिक एंड द एंटायर लुक इज वेरी ग्लोई, वेरी क्लासी एंड आई डिड नॉट हैव This had to happen. So, वो मांगटीका गिर गया. Actually, वो एक earring है. मेरे पास कोई मांगटीका, कोई भी necklace वगैरह कुछ भी नहीं है. That's why I'm just wearing simple साड़ी भी नहीं पहना है मैंने, सिर्फ ऐसे डाला हुआ है. Her hairstyle is also very messy, like एक messy ponytail उन्होंने wear किया है. Now, in no means I'm not trying to look like Alia Bhatt. Of course, she is Alia Bhatt. I am Sejal Singh. I usually say when I do celebrity inspired makeup look, I'm not trying to look like her or trying to become like her. It's just an inspired makeup. क्योंकि बहुत लोगों को पसंद आता है द वे शी हैज डन हर मेकअप. सो जस्ट आई एम रिक्रिएटिंग हर मेकअप. या आई होप आप सबको ये मेकअप लुक पसंद आ रहा हो. दैट हाइलाइटर इज ऑन पॉइंट टू. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो. मैं देखती हूँ मेरे वीडियोज लोग देखते हैं बट दे डोंट सब्सक्राइब. या प्लीज सब्सक्राइब तो कर लिया करो एंड नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो बेल बटन को भी क्लिक कर लेना. एंड या सो विदाउट एनी फर्दर डू नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करूंगी अपने फेस को मॉइस्चराइज़ के लिए मैं आज यूज करने वाली हूँ पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर नॉन ऑयली फ्रेश फील. इट्स फॉर सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन. इट हैज विटामिन ई प्लस ग्लिसरिन इन इट. इस मेकअप लुक में उनका मेकअप बहुत ज्यादा ही सिंपल. इट लुक्स लाइक शी इज नॉट वेयरिंग एनी मेकअप. इट्स लाइक अ नो मेकअप मेकअप लुक यू कैन सी. एंड बट शी इज लुकिंग रियली गॉर्जियस बिकॉज हर स्किन इज वेरी ग्लोइंग एंड इट्स लुकिंग वेरी हेल्दी. नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ VLCC स्किन व्हाइटनिंग सीरम. दिस इज हाउ इट लुक्स. एंड इसमें मैं मिक्स करूंगी मेरा मिस क्लेयर बॉर्न टू ग्लो इल्यूमिनेटर मेकअप बेस. दिस इज इन द शेड 01 सनबीम. सो मैं ये दोनों को मिक्स करके अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी so that I can get a nice glow on my face. तो आपको जो इल्यूमिनेटर से थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि अगर आपके बड़े पोर्स हैं तो ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा विजिबल करता है. सो आई वुड सजेस्ट अगर आपके थोड़े ओपन पोर्स हैं तो आप ना यूज़ करें. तो मैं इसे ऐसे रब कर लूँगी लाइक योगा स्किन बिकॉज एज यू नो मुझे पसंद आया था. या सो आई जस्ट अप्लाई. So can you see the glow on my face? It's looking really nice and very glowy. So क्योंकि ये मेकअप लुक मैं एकदम अफोर्डेबल साइड में रखा है आज फाउंडेशन के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेरे ADS का पैन स्टिक. एंड दिस इज इन द शेड 1. ये मुझे 175-150 रुपीज के आसपास मिल गया था. सो मैं बस इसे लगा लूंगी. एंड इसे ब्लेंड कर लूंगी एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश है. अगर आप उनका मेकअप लुक देखोगे तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी ब्यूटीफुल बट उनका डार्क सर्कल्स वगैरह भी विजिबल है. इतना ज्यादा उन्होंने हैवी कवरेज मेकअप नहीं किया है. इट्स लाइक वेरी सिंपल मेकअप लुक. मैं थोड़ा सा और अपनी अंडर आईज को कवरेज दूंगी बिकॉज इट शुड लुक गुड. क्योंकि ब्रश का मुझे थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रिकीनेस दिख रहा है तो मैं इसे अपने ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर लूंगी. डू नॉट फॉरगेट योर नेक एनी टाइम यू डू मेकअप. नेक्स्ट मैं अपने फेस को करूंगी सेट. तो उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ फेसेस का ग्लैम ऑन कॉम्पैक्ट पाउडर. दिस इज इन द शेड आइवरी 01.
मूव करेंगे आईब्रोज पे. सो आईब्रोज भी एकदम लाइटली ही फिल किया उन्होंने, एकदम बोल्ड आईब्रो वगैरह नहीं किया है. दिस पिक्चर इज लाइक ऑल स्ट्रकिंग, लाइक द वे दे हैव क्लिक्ड इट, इट्स अमेजिंग. लिंक के लिए मैं यूज करने वाली हूँ उसास का आईब्रो पाउडर. आई एम जस्ट गोना टेक दिस लाइट शेड एंड ये एंगल ब्रॉ पेंसिल से मैं आईब्रो कर लूंगी. It's really pigmented powder, guys, and it looks amazing. और ये मैंने मुझे Instagram store से मिला है. इसमें एकदम roughly ऐसे ऐसे fill कर लूँगी. एक आईलैश ब्रश है, इससे ऐसे ब्रश कर लूंगी सो दैट एवरीथिंग स्प्रेड्स इवनली एंड इट लुक्स गुड. सो नेक्स्ट हम करेंगे आई शेडो. सो आई गेस आई शेडो के लिए सिर्फ उन्होंने क्रेज शेड अपने एंटायर लिड पर यूज किया है एंड फिर सेम शेड उन्होंने लोअर लैश लाइन पर एकदम हल्के से स्मच किया है. आई शेडो के लिए मैं लेने वाली हूँ मेरा फेवरेट आई शेडो सेलेनी आई शेडो पैलेट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. सो आई विल बी टेकिंग दिस शेड एंड अप्लाइंग इन द एंटायर क्रेज एंड ऑन द लिड. क्लीन ब्रश से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि कुछ भी हार्श लाइंस ना दिखे. तो सेम कलर में लोअर लैश लाइन पर भी स्मच कर लूंगी. सो नेक्स्ट मैं करूंगी अपने आई लैशेस कर्ल एंड फिर मैं लगाऊंगी मस्कारा. सो मस्कारा के लिए मैं यूज Maybelline लास्ट So mascara के लिए I'm going to use Maybelline Lash Sensational Full Fan Effect Mascara. I will say it again so that be careful guys while you curl your lashes. अब मैं लगाऊंगी कॉन्टोर. सो कॉन्टोर के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेरा फेवरेट फेवरेट सिवाना कलर्स अल्ट्रा ब्लश पैलेट. दिस इज इन द नंबर 01. अगेन मेरा ये शेड ही मैं यूज करने वाली हूँ कॉन्टोर के लिए. आलिया इज नॉट हैविंग वेरी शार्प कॉन्टोर, एकदम नॉर्मल सा कॉन्टोर शी हैज अप्लाइड. I'll be applying this blush. तो same contour brush से लगा लूंगी ताकि सब कुछ blend हो जाए. So she is not wearing any heavy blushes. So next मैं लगाऊंगी highlighter. So Alia's highlighter game is on point. Like it is a perfect highlight and that is bomb highlight. So I'm going to use my बहुत बुरी तरह टूट गया है. So I'm going to manage it down. I'm going to use my Makeup Revolution Pro Illuminate. मैं हाईलाइट को अपने ब्राउ बोन वगैरह पर भी लगा लूंगी. So lastly for the lips, अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने लिपस्टिक वेयर ही नहीं किया है. इट्स लुकिंग लाइक अ रियली नेचुरल लिप शेप. आई एम जस्ट गोना अप्लाई दिस एंड लेट्स सी इफ इट गोज ऑन.
This shade has gone a bit brownier side, so I'll just mix a pink, a hint of pink color on it. So I'm going to use my Nykaa paint sticks. This is in the shade 04. So I just applied a bit of Faces Ultime Pro Matte Lip Crayon in the shade Spice Latte 22 and I mixed it with the Nykaa paint sticks in the shade 04 ke saath. So I just got this shade out of these. Aap sabko ye makeup look pasand aaya hoga. Agar aapko pasand aaya hai to please like this video, subscribe to my channel and please ek lovely so comment ek niche comment section mein de dena ki kaisa laga aapko ye look. I'll see you in my next video. Till then take care and be happy. Bye. Main zyada move nahi kar sakti because ye mangti ka gir jayega. Your ring gir jayega. So bye.